पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी से अपील की जा रही है। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट मुशायरा ग्राउंड से एक प्रचार वाहन की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ सांसद डॉक्टर एसटी हसन, जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के साथ अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर सभी को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का यह कहना है कि पूरे मुरादाबाद में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट मुशायरा ग्राउंड से सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर रैली का आयोजन हुआ। सांसद डॉक्टर एसटी हसन, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के विद्यार्थियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी एवं परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि आज सड़क पर चलने वाले सभी वाहन चालकों से मैं अपील करता हूं कि वे यातायात नियमों का पालन करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें। सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका कारण ये है कि हम यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मुरादाबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर घर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी आरटीओ विभाग काम कर रहा है। हम सबको मिलजुल कर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना है और सभी से अपील करनी है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा माह आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रारंभ होकर के ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें परिवहन से संबंधित जागरूकता अभियान, जो हमारे सीट बेल्ट हेलमेट लगाने के संबंध में लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करने का कार्य, सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जानी है, इसी तरह से जो लोग शराब पी करके या थकान में या नींद के समय गाड़ी ड्राइव करते हैं या नींद आ जाती है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इन्हीं सब बातों के प्रति जागरूक करने के लिए ये सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ आज से हो रहा है।